नमस्कार, अमर उजाला डॉट कॉम पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ जो कुछ हुआ था उसको लेकर अभी तक नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रशासन से, सरकार से जो सवाल है उसके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। और लेकिन डॉक्टरों की तरफ से, छात्रों की तरफ से, पीड़ित परिवार से अनुभूति है, वो सब लोग इस वक्त कोलकाता की सड़कों पर उतरे हुए हैं। सबकी एक मांग है, लगातार पश्चिम बंगाल सरकार प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पूरी कार्यकलाप जिस तरीके से हुआ वो हमेशा सवालों के घेरे में रहा। खुद सुप्रीम कोर्ट को इस पर सवाल पूछने पड़े स्वतः संज्ञान लेकर, उसके बाद भी इंसाफ को लेकर बार बार जिस तरह की बातें हो रही हैं, अब गुस्सा फूट पड़ा। छात्र सड़कों पर है और सबकी कोशिश नबन्ना मार्च की। नबन्ना मार्च क्या है, क्यों नबन्ना की तरफ जाना चाहते हैं, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे। और ये गुस्सा आखिर क्यों इतनी देर तक चल रहा है और अब और भड़क गया है, ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। सीधा आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी अर्जुन इस वक्त जुड़ गए हैं, अर्जुन उनके पास। अर्जुन बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप यहाँ मौजूद हैं, वो जगह दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए किस तरह से पुलिस, पुलिस ने जो है प्रदर्शनकारियों को देखिए किस तरह से लेके जा रही है। पुलिस जो है, देखिए ये मैं सके लुगरी पुलिस के पास हूँ, ये देखिए किस तरह से जो है प्रदर्शनकारियों के ऊपर पुलिस ने जो है लाठीचार्ज कर दिया है। देखिए आप, ये देखिए आदर्श जी, हालात जो है बहुत ही तनावपूर्ण है समय। यहाँ पर पूरी तरह से छात्र जो है नवादा जाने के लिए जो है पूरी तरह से छात्र तैयार है, लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया। ये सेकंड हुगली ब्रिज के पास का दृश्य है। देखिए कितनी संख्या में पुलिस वाले, देखिए किस संख्या में जो है यहाँ पर पूरी तैनाती है। पुलिस जो है उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। मैं आपको बताना चाहता हूँ आदर्श जी की, देखिए कि नवादा जाने के लिए जो है कलकत्ता की तरफ से ये एक रास्ता है, और जो है एक सांतरागाछी की तरफ से, हावड़ा और सांतरागाछी की तरफ से एक रास्ता आता है, वहां पर भी पूरी तरह से उसको बैरिकेड कर दिया गया है। सांतरागाछी की तरफ हावड़ा ब्रिज के ऊपर जो है पूरी तरह से उसको जो है बैरिकेड किया हुआ है, ताकि कोई भी नवादा की तरफ, कलकत्ता की तरफ, ये देखिए किस तरह से, ये देखिए पुलिस जो है किस तरह से लाठीचार्ज कर रही है। अर्जुन आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को बता दूं, जस्ट नबन्ना, नबन्ना आप बार बार ये नाम सुन रहे हैं, ये है क्या, ये एक सचिवालय, प्रदेश सरकार का जो सचिवालय है वो नबन्ना बिल्डिंग में मुख्यमंत्री जी। और जिस तरीके से कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई उसको लेकर लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है, और अब छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, छात्र सड़क पर है और करीब 6,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं इसलिए कि छात्र नबन्ना भवन तक ना पहुंचे। अर्जुन आखिर इतना डर, इतनी दहशत में क्यों है ममता बनर्जी की सरकार के, छात्र प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो है जब इनको इजाजत नहीं दी गई थी इसके बारे में, तो सरकार जो है इस आंदोलन को लेकर के पहले जो है वो सीधे चली गई हाई कोर्ट कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, ये छात्र आंदोलन ना हो। लेकिन आदर्श जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सरकार की इस मांग के ऊपर हाई कोर्ट ने कोई भी बात कहने से इनकार कर दिया, कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया। और ये जो है आज, ये देखिए जगह जगह, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ममता सरकार इसलिए डर रही क्योंकि पूरा का पूरा बंगाल आज एकत्रित हो गया है, एक जगह पर हो गया है। सारे विद्यार्थियों को आह्वान किया है बंग छात्र समाज ने, और उसके आह्वान पर आज कलकत्ता और आसपास हावड़ा कलकत्ता में पूरी तरह से विद्यार्थी छुटे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग आज जो है सड़कों पर, गाड़ियां नहीं है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग खुश हैं। वो कहते हैं कि इतना कष्ट झेल सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों का समर्थन जो है यहाँ पर है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि ममता सरकार को डरने का कारण यह है कि पूरा बंगाल आज आंदोलन कर रहा है, पूरे बंगाल आज सड़क पर उतर गया है, पूरा बंगाल का छात्र संगठन, लोग, ये आंदोलन जो है वो जन आंदोलन हो गया है। आदर्श जी मुझे एक बात बताइए, अर्जुन लगातार आप पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आपके हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बड़ा है मुझे आता है समझना, 2021 में भी छात्रों ने नबन्ना मार्च का ऐलान किया था, उस वक्त भी ममता बनर्जी की सरकार की जो तमाम विफलताएं थी ना उसको लेकर छात्र नबन्ना घेरना चाह रहे थे, उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ था, और एक बार फिर वही परिस्थिति बनी है। सरकार पर सवाल सबसे ज्यादा उठ रहे हैं, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, ये परिस्थिति एक तो बनी, ये ममता बनर्जी की बहुत बड़ी विफलता है। मुझे लगता है आज नहीं तो कल जनता के बीच में उनको उसका जवाब देना होगा। ये विफलता एक्चुअली क्या है कि इस घटना को लेकर के ममता बनर्जी सरकार जो है, बहुत पहले ममता बनर्जी सरकार ने इस घटना को बहुत हल्के में लिया, और उन्होंने कहा कि मैं उस दिन बांकुड़ा में थी, मुझे जानकारी जो है लेट मिली, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो है इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी, उसके बाद जो है उन्होंने
पीड़िता के परिवार के घर जाकर के उनके माता पिता से मुलाकात की। लेकिन जो सवाल उठते हैं कल और परसों जिस तरह के वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं बंगाल के अंदर, जो है कि जो जहां पे घटना घटी आप सोच सकते हैं कि वहां पर ये आरोप है, जो वीडियो 43 सेकंड का एक वीडियो जो है वो जारी हुआ है और ये कहा जा रहा है कि उस 43 सेकंड के वीडियो में संदीप, डॉक्टर संदीप घोष जो कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनके सहयोगी वहां पर मौजूद थे। और आपको जानकर सबसे बड़ी हैरानी और दुख होगा, लोगों को भी ये जानकर दुख होगा कि जिसकी बेटी के मरने की सूचना पाई हो, जिसके माता पिता ने, वो नीचे इंतजार कर रहे थे 3 घंटे तक, और जहां पे ये हादसा हुआ वहां पर जो है वहां के तथाकथित डॉक्टर संदीप घोष के सहयोगी, और यहां तक आरोप लग रहे हैं कि वो सारे ऐसे अधिकारी और डॉक्टर थे जो फॉरेंसिक विभाग से भी संबंध रखते थे, वो लोग वहां पे चहलकदमी कर रहे थे, लेकिन जिसकी बेटी मारी गई हो उनके अभिभावकों को 3 घंटे तक अपनी बेटी को देखने नहीं दिया गया, और उस घटना स्थल पर जो है वहां पे लोग आवाजाही कर रहे थे और बेधड़क जो है वहां पे चल फिर रहे थे। ये जो कारण है, क्या कारण है कि वहां पर संदीप घोष के जानकार एक एडवोकेट के बारे में बताया जा रहा है, एक जो है फॉरेंसिक डॉक्टर है जिनका की आरजी कल के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, वो फॉरेंसिक डॉक्टर वहां पे थे। इसके अलावा वहां पर कॉलेज के और भी वरिष्ठ अधिकारी थे, वहां पर 3 घंटे 4 घंटे तक वो लोग चलते फिरते रहे उस जहां पे घटना हुई, जिसको कि बैरिकेड, जिसको कि सुरक्षित कर देना चाहिए था, वहां किसी के आने जाने पर रोक लगा देनी चाहिए थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि वो लोग कैसे गए और इतनी देर तक वहां क्या कर रहे थे। ये लगातार छात्र और डॉक्टर्स, खास करके जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो सब हड़ताल पर डटे रहे। उन सब की मांग थी कि इस मामले में इंसाफ हो, जल्द से जल्द इंसाफ हो। जो सवाल पश्चिम बंगाल पुलिस पर उठे, जिस तरह से पूरी प्रतिक्रिया हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी पिछले हफ्ते ही तो ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरी थी ना, आप लगातार उसको भी कवर कर रहे थे और वो इंसाफ की मांग कर रही थी, कैपिटल पनिशमेंट की मांग कर रही थी। अब जब छात्र जवाब मांग रहे हैं तो किला बना दिया गया है नमन्ना बिल्डिंग को, मतलब आप उसके आसपास भी नहीं फटक सकते। 6,000 पुलिस कर्मी अपने ही छात्रों से निपटने के लिए लगा दिए गए। आप सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है, और पीड़िता के माता पिता ने खुद ये बात कही है आदर जी कि जब हम न्याय की आस कैसे कर सकते हैं जबकि न्याय की मांग करने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उनके लिए बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, उनके लिए धारा 144 लागू कर दी जा रही है ताकि वो लोग इंसाफ न मांग सके, तो सड़कों पर उतरने का क्या मतलब है? माता पिता जो पीड़िता के माता पिता खुद सवाल उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री को सवाल के खड़े बढ़ रहे हैं कि आप नवन्ना बिल्डिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या आप पीछे की तरफ आ रहे हैं? नहीं, मैं नवन्ना बिल्डिंग दिखाने के बाद आपको जो है वापस आ रहा हूँ, क्योंकि सारे छात्रों को वहां से खदेड़ दिया है, वहां पर पानी के बोछा से खदेड़ दिया है और छात्र थोड़े पीछे आ गए हैं इस समय, तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ ताकि मैं ये चाहता था कि अपने दर्शकों को ये बता दूं कि आखिर वो घटना, वो नवन्ना कहाँ है। नवन्ना जो है वो राज्य सचिवालय है, सचिवालय के घेराव की जो है आज छात्रों ने मांग की थी। अब धीरे धीरे जो है यहां से जो है इन विद्यार्थियों को पुलिस ने खदेड़ दिया, भारी संख्या में पुलिस बल है, इसलिए पुलिस जो है बौछार करके, पानी की बौछार करके उन्होंने जो है विद्यार्थियों को खदेड़ दिया है। अब इस बीच जो है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है बहस हो रही है पुलिस के साथ। ये देखिए यहाँ पर लोग जो है, ये देखिए पुलिस के साथ किस तरह से देखिए बहस कर रहे हैं। जवाबदेही से क्या केवल राजनीति का नाम लेकर सरकारें बच सकती हैं, चाहे कोई भी सरकार हो? अभी तो हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, जो दरिंदगी वहां पर हुई उसके पीछे कई सारे उसके लिए जवाब मांगे जाने हैं जिनके जवाब देने को कोई तैयार नहीं है, और इसीलिए ये छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं बड़ी संख्या में। 6,000 पुलिसकर्मी, मतलब पश्चिम बंगाल की सरकार ने 6,000 पुलिसकर्मियों को लगा दिया ताकि वो नवन्ना भवन तक ना पहुंच पाए, जो कि राज्य सरकार का सचिवालय है, 14 मंजिला इमारत है, सबसे ऊपर बताया जाता है कि ममता बनर्जी का वहां पर दफ्तर है, और वहां से किसी तरीके से छात्रों को दूर रखा जाए। अर्जुन जहां पर मौजूद है वो करीब वहां से 2 किलोमीटर दूर का इलाका है, वहां पर अर्जुन इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी, एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर छात्रों को रोका जा रहा है, बैरिकेटिंग की मल्टीपल लेयर्स लगाई गई हैं। अर्जुन थोड़ा आगे मौजूद हैं और जो पीछे छात्र मौजूद हैं, जो भी आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कई जगहों पर वाटर कैनन का उन पर इस्तेमाल हो रहा है, पानी गिराकर उनको रोकने की कोशिश हो रही है, बैरिकेड्स तो लगाए गए हैं। अर्जुन मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए, अर्जुन आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि छात्रों से बात भी करेंगे। ये देखिए किस तरह से, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया, देखिए देखिए ये देखिए लाठी चार्ज, देखिए छात्र पुलिस ने लाठी चार्ज किया जबकि लोगों को
शांतिपूर्ण निकालने का जुलूस निकालने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन ये पूछ रही अर्जुन मेरे सहयोगी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें बड़ी अहम हो जाती हैं क्योंकि देखिए किस तरीके से छात्र वहां पर डटे हुए हैं। मैं पीसीआर से कहूंगा कि उन तस्वीरों को लगातार स्क्रीन पर रखें, उनको हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज वही तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। अर्जुन सबसे बड़ा सवाल यह है, अभी तक सरकार की तरफ से कुछ कोशिश हुई इन छात्रों से बात करने की, बात करके समझाने की कि हम अपने तमाम कोशिशें कर रहे हैं, अभी थोड़ा छात्र संयम रखे क्योंकि किसी की कोशिश होती दिख रही है क्योंकि इस पर तो बयानबाजियां भी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि सत्य वो कह रहा है कि भाई बीजेपी इस आंदोलन को हवा दे रही है, बीजेपी छात्रों को भड़का रही है, इसलिए वो सड़क पर। देखिए ऐसा है कि छात्रों के साथ जो है नवान्ना स्वास्थ्य विभाग के साथ छात्रों की बातचीत हुई, लेकिन सारे नतीजे, इससे कोई नतीजा नहीं निकल पाया, सारे बैठक गए बेनतीजा हुए। छात्रों की ये मांग है कि जो संदीप घोष है उसको सस्पेंड किया जाए। अब छात्रों ने एक नई मांग रख दी है कि जो कोलकाता के सीपी हैं, जो कोलकाता पुलिस के सीपी हैं, उनको इस्तीफा दिया, उनसे इस्तीफा लिया जाए। अब जब तक वो इस बात को नहीं मानेंगे तब तक छात्र आंदोलन वापस आने को तैयार नहीं है, जूनियर डॉक्टर्स को वापस आने को तैयार नहीं है, जबकि सरकार जो है जूनियर डॉक्टरों की बात मानने को तैयार नहीं। लेकिन ये एक आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जन आंदोलन हो गया है, ये अब केवल डॉक्टरों की लड़ाई नहीं रह गई है। सड़क पर आज देखिए अभिभावक भी हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, हर वर्ग का आदमी जो है यहाँ पर है। तो आप इसको मानिए कि सरकार के साथ जो बातचीत थी वो फेल हो गई, कई बार कई दौर की बातचीत हुई, इसके बावजूद जब बातचीत का हल निकला तो छात्र बंगाल छात्र समाज ने इस आंदोलन का जो है वो बीड़ा उठाया। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद ये बात कहा है कि वो इसको समर्थन करते हैं, और कांग्रेस और वामपंथी दलों ने आज जो है खुद को इससे अलग रखा है। जी आदर्श जी, अर्जुन एक बात और, कई तरह की खबरें निकल कर आ रही है, चार छात्र बताया जा रहा है उनके परिजन जो है वो कोर्ट पहुंचे हैं कि उन छात्रों का कोई पता पता नहीं चल रहा है, उनके साथ पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वो छात्र हैं जो शायद पूरे प्रोटेस्ट को एक तरीके से लीड कर रहे थे, लीड करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो इसको लेकर के भी कुछ अपडेट है क्या? जी जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। आज ही जो है चार छात्रों का ये पता लगा था कि कल रात से जो है चार छात्र लापता हैं और उनके माता पिता सुबह सुबह जो है वो कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गए, लेकिन सोशल मीडिया में ये जानकारी आ रही है कि पुलिस ने ये बताया है कि उन लोगों को वो लोग कहीं गए नहीं है, उनको पुलिस ने डिटेन किया है। ये हालात के मद्देनजर जो है पुलिस ने उनको जो है डिटेन करके रखा हुआ है, इसलिए वो कहीं उनको कोई किसी तरह की कोई उनको घबराने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से कोलकाता पुलिस ने इस तरह की जानकारी दी है, क्योंकि कल रात से जब बच्चे घर नहीं आए तो माता पिता को परेशानी होगी, उनको दिक्कत होगी आखिर बच्चे गए कहाँ। तो वो सुबह सुबह आज कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गए, उन्होंने मामला दर्ज किया, कोर्ट को बताया कि उनके चार जो बच्चे हैं वो लापता हैं। तो पुलिस ने जो है सोशल माध्यम के माध्यम से उसने बताया कि वो लापता नहीं है बल्कि उनको पुलिस ने डिटेन किया है, ऐसी जानकारी सूत्रों के माध्यम से भी आ रही है। अर्जुन अगर आप छात्रों से वहां पर बात कर पाए कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ, कुछ उन तक और जानकारी पहुंची, अगर आप उनसे बात कर पाए? देखिए फिर देखिए ये फिर पुलिस ने जो है वो छात्रों को जो है खदेड़ना शुरू कर दिया है। देखिए ये देखिए पुलिस जो है किस तरह से जो है छात्रों को खदेड़ना शुरू कर दिया, छात्रों को ये देखिए एक तरफ पानी है यहाँ पर, देखिए ये देखिए इस छात्र को जो है इसको उठा लिया, देखिए गाड़ी को दिखा रहे हैं, देखिए अब छात्रों को जो है पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। ये देखिए छात्रों को जो है पुलिस जो है अब डिटेन करना शुरू कर दिया हिरासत के लिए। ये देखिए आदर जी, ये देखिए किस तरह की धक्कम की हो रही है, ये देखिए बहुत अहम तस्वीर किस तरह से छात्रों पर पुलिस दिखा रही है। सवाल ये देखिए किस तरह से बल प्रयोग
कार्रवाई होनी चाहिए था वो हुई नहीं, और इसी को लेकर छात्र इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आदर्श जी देख पा रहे हैं आप किस तरह से पुलिस जो है अपने जी देखिए बल प्रयोग कर, ये देखिए प्रदर्शनकारियों को किस तरह से बस पे घुसने की प्रयास किया जा रहा है, देखिए किस तरह से जबरदस्ती की जा रही है इस महिला महिला छात्रा के साथ, देखिए किस तरह से, ये देखिए ये देखिए ये देखिए पुलिस का बल प्रयोग, ये देखिए ममता पुलिस है, ये देखिए किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए महिलाओं के साथ देखिए किस तरह की, ये देखिए ये देखिए ये छात्रा को देखिए किस तरह से जो है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये ममता पुलिस है आदर्श जी, जिन्होंने सड़कों पर धरना दिया रैलियां निकाली, ये ममता पुलिस है, ये ममता की पुलिस है, देखिए आप देखिए जिन्होंने न्याय के लिए फांसी की मांग कर रही है राज्य के मुख्यमंत्री, और एक तरफ जो है ये इस तरह का छात्रों के साथ बर्ताव किया जा रहा है पुलिस द्वारा, ये देखिए आदर्श जी आप थोड़ी देर पहले ये पूछ आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि ममता आखिर घबराई क्यों है, ये देखिए उसका सबूत देखिए किस तरह से छात्रों से जो है ममता सरकार घबराई हुई है, जो न्याय की मांग करने वाली सड़कों पर उतरने वाली मुख्यमंत्री आज विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों को जो है वो जबरदस्ती गाड़ियों में कूद कर जो है वो ले जाने का प्रयास कर रही है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये सेकंड ये देखिए एक और छात्र नेता को ये लेके आए, अब एक एक करके जो है पुलिस वाले जो है पुलिस जो है एक एक करके ये देखिए एक एक करके छात्र नेताओं को जो है लेके जा रहे, देखिए ये देखिए ये देखिए आप कुछ कहना चाहते हैं भैया इधर कुछ कहना चाहते हो आप बोलो, आप बताएंगे आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन काफी गहमा गहमी वहाँ पर अर्जुन तस्वीर आप दिखा रहे हैं क्या स्थिति वहाँ पर बनी, यानी कि आप कुछ कहना चाहते हैं, आपको कहाँ लेके जा रहे हैं कहाँ लेके जा रहे हैं कहाँ लेके जा रहे हैं आपको देखिए गाड़ी जो है ये गाड़ी जो है वो लेकर के जा रही है, आपको बताइए हेलो आप बताएंगे बताएंगे आप बताइए कि ये क्या है, ये क्या ममता सरकार है, क्या डर गई है सरकार ममता सरकार क्या डर गई है आप लोगों ने प्रदर्शन से, ये देखिए ये देखिए ये ये देखिए ये देखिए ये देखिए आप मांग कर रहे हैं पूरे मामले में, और उसके बाद अब छात्रों को एक एक करके पुलिस वैन में ठूसा जा रहा है, छात्रों को छात्र नेताओं को जो अभिभावक हैं जो आम लोग हैं आम लोगों में भी बहुत गुस्सा है इस पूरी घटना को लेकर, वो भी वहां पर सड़कों पर नजर आ रहे हैं, अर्जुन लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, अर्जुन बड़ा अहम हो जाता है समझना आखिर में एक चीज कि ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा, ममता बनर्जी बार बार बीजेपी आरोप लगाती है तानाशाही को लेकर, और मुझे लगता है कि अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस बात से बहुत ज्यादा इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है राजनीति के लिए सब बयानबाजी करते हैं लेकिन परिस्थितियां तो कुछ वैसे ही दिख रही है, पुलिस ले गई है, ये देखिए इस तरह से जो है ममता पुलिस का जो है वो देखिए शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन कर रहे थे, और इस तरह से जो है शांतिपूर्ण छात्रों के आंदोलन को जो है किस तरह से पुलिस जो है वो देखिए ये सामने मैं आपको देखना चाहता हूँ कि किस तरह से देखिए गाड़ी जो है वो लेकर चली गई, वो छात्र जो नेता थे उनको गाड़ी जो है पकड़ कर लेकर चली गई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अभी तक नहीं पता कि उनको कहां लेकर जाया जा रहा है,
जी साफ की मांग करती रहती हैं, ठीक है, राजनीति के लिए विपक्ष में बीजेपी है, बीजेपी तानाशाही का आरोप लगाती है, लेकिन अभी जो हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के छात्र हैं, पश्चिम बंगाल के आम लोग हैं, इसमें कई मुझे वरिष्ठ लोग भी दिखे जो इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं छात्रों के साथ, उनके ऊपर अगर इस तरह का रवैया होता है तो तानाशाही से इनकार भी तो नहीं किया जा सकता। पुलिस अधिकारी से भैया पूछा जा रहा है कि आखिर महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया, ये पुलिस अधिकारी आदर जी पुलिस अधिकारियों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं पत्रकार की, ये बताइए कि महिलाओं के साथ इस तरह की ज्यादती करके उनको किस तरह से गाड़ी में बिठाया गया। मुख्यमंत्री से प्रशासन से नाराज हैं इसलिए क्योंकि एक डॉक्टर के साथ इतनी विभत्स घटना हो जाती है, लीपापोती करती है पुलिस, ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और उसके बाद जिस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति होती है उसको लेकर नाराजगी है, लेकिन इंसाफ की आस नहीं दिखती जब तक मामला सीबीआई के हाथ में नहीं जाता है। अब सीबीआई किस तरीके से जांच को आगे बढ़ा रही है वो भी एक बड़ी बात है, लगातार सीबीआई की तरफ से कुछ ना कुछ खुलासा हो रहा है, संदीप घोष को लेकर हो, संजय रॉय को लेकर हो, केस की कड़ियों को जोड़ने को लेकर हो, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो जिम्मेदारी सरकार की वहां पर प्रशासन की थी उसको क्यों नहीं निभाया गया, उसी को लेकर ये पूरा जो आक्रोश है वो सड़क पर दिखाई दे रहा है। यही नबन्ना मार्च है, नबन्ना सचिवालय है प्रदेश सरकार का, सारे छात्र सारे लोग वहां पहुंचना चाह रहे थे ताकि अपना विरोध दर्ज करा सकें, और जिस तरह की विफलता सरकार की तरफ से दिखी है उसी नाराजगी को लेकर इस्तीफे की मांग की जा रही थी। ये बड़ा अहम है, लगातार हर अपडेट कोलकाता से आप तक पहुंचाते रहेंगे।